एसजीएन स्टेनो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप घर बैठे स्टेनो पढ़ना चाहते हैं और डेली डिक्टेशन पीडीएफ सिंबल प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही गूगल क्लासरूम ऐप से जुड़ सकते हैं। शुरू। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शुक्रवार की सुबह हुआ रेल हादसा हृदय विदारक है। विराम। एक दो नहीं 16 मजदूरों का रेल की पटरी पर मालगाड़ी से कट जाना, उफ किसे दोष दें, केंद्र या महाराष्ट्र की सरकार को, रेल मंत्रालय को या फिर उन मजदूरों को। निश्चित रूप से पहला दोष उन मजदूरों का है जो भले थके थे, परेशान थे, नींद के आगोश में थे, पर यह तो उन्हें सोचना ही चाहिए कि पटरी पर नहीं सोना चाहिए। विराम। शायद उन्हें यह भरोसा होगा कि लॉकडाउन में पटरी पर ट्रेन तो आने से रही, ऐसे में उससे अच्छा और सुरक्षित बिछोना क्या होगा। वह अच्छी बिछोना ऐसा साबित होगा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हमारी और शासन व्यवस्था की विडंबना देखिए। कल तक जो व्यवस्था देश के करोड़ों प्रवासी मजदूरों की तकलीफ का कोई गंभीर नोटिस नहीं ले रही थी, अलबत्ता उस पर राजनीति कर रही थी, आज एक साथ शोक की मुद्रा में आ गई। ऊपर से नीचे तक सारी राजनीता शोकाकुल हो उठे। कल तक जो व्यवस्था इस या उस बहाने उन्हें ढीले की मदद करने को तैयार नहीं थी, जिसकी अनदेखी की वजह से उन्हें पैदल अपने घर के लिए निकलना पड़ा, उसने उनके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। 5,000 रुपये मिल जाते तो शायद वे अपनी फैक्ट्री छोड़ इस आखिरी सफर पर निकलते ही नहीं। विराम। अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शव पर 5,00,000 रुपये नौछावर करने का ऐलान किया है, और भी सरकारी एवं राजनीति दल आगे आ सकते हैं। पैरा चेंज। केंद्र ने जांच की घोषणा कर दी है। विराम। ये अभागे मजदूर क्यों और कैसे मरे यह सबको पता है। विराम। लेकिन अब जांच अधिकारी बैठेंगे, अपना दफ्तर और स्टॉक सजाएंगे, फिर सालों लगाकर जब तक उनकी रिपोर्ट आएगी तब तक ऐसे कई और हादसे हो चुके होंगे। विराम। सारा देश इस हादसे को भूल चुका होगा। आज जांच से बड़ी ज़रूरत ऐसे उपाय करने की है कि फिर ऐसा कोई हादसा नहीं हो। विराम। केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों और श्रमिकों के खून पसीने की कमाई से उद्योगपति बनने वालों को ऐसे इंतजाम करने होंगे कि कोरोना तो क्या, इससे भी बड़ी कोई आपदा आ जाए तो मजदूरों का विश्वास नहीं डिगे। विराम। आज से पहले भी देश में आपदाएं कम नहीं आई। विराम। कोरोना की भयावहता अधिक हो सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति के मन में विश्वास हो तो उसे भागने की नौबत ही नहीं आए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस विश्वास को जगाने और जमाने की है। विराम। इसके लिए सभी सरकारी और राजनीतिक दलों को वोटों की राजनीति छोड़कर पहले आपस में भरोसा कायम करना होगा। इसके लिए सरकारों को कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ना बंद करके अपने काम काज में
पारदर्शिता लानी होगी। जिस संघीय ढांचे की हम दुहाई देते नहीं थकते, उसे मजबूत बनाना होगा। विराम। देश के नागरिकों को चाहे वे किसी भी प्रांत में हों, वहां उन्हें सुरक्षित होने का भरोसा होना चाहिए। विराम। मैं अपने ही राज्य में जाकर सुरक्षित होऊंगा, यानी मेरा विश्वास डिग रहा है। मैं जहां हूं वहीं मुझे सब कुछ मिले, तभी देश मजबूत होगा, और यही सबसे पहले होना चाहिए। संपूर्ण विराम।